नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित दीक्षित और सिलेक्शन मेंटर पर एक बार फिर से आपका हमेशा की तरह स्वागत। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी का बैच ये चल रहा है हमारा, जिसमें आप बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे और एक क्रैश कोर्स की तरह हम इसे पूरा करेंगे और आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। अभी तक आपने क्लास पढ़ी और आपने जो भी दो तीन क्लास में सिंप्लीफिकेशन की उसमें आपने स्क्वायर निकालना, क्यूब रूट निकालना सीखा और डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन देखे थे और उसके बाद आपने अंकों का ज्ञान सीखा कि अंक कितने होते हैं नंबर सीरीज यानी मैथ्स में, नंबर सिस्टम में। तो आगे आज हम बात करते हैं फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी जिसको हम बोलते हैं भिन्न, हम बात करते हैं भिन्न। फ्रेंड्स, अगर भिन्न की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है बहुत अच्छे से, क्या पता है कि अगर a अनुपात b या a बटा b लिखा है, फ्रेंड्स इसको a अनुपात b लिख सकते हैं, यानी a अपॉन b है तो a to b लिख सकते हैं। ठीक, एक चीज और, जैसे अगर लिखा है 3/7, तो अगर हम आपसे कहें कि फ्रेंड्स 3/7 लिखा है तो आप कहेंगे हाँ, हम कहेंगे बच्चा इसका शेष बताओ, तो तुम कहोगे सर एक से माइनस कर दीजिए शेष। आज हम कहेंगे करो, तो करोगे 7 × 7 − 3 यानी 4/7, यही करोगे आप। बिल्कुल सही भी है, यही करना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर सोचो मन में हम ये सब लिखे ना, ऐसे ही कर लें तो कितना आसान हो जाएगा, जल्दी से, मतलब एक सेकेंड से भी कम हिस्से में। कैसे, देखो बच्चा, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये टोटल होता है और ऊपर वाला हिस्सा वो होता है जिसको हम शो कर रहे हैं कि इतना हमने करना है, इतना कर लिया, इतना हमसे हो गया, ये ठीक है। अच्छा, अब समझो फ्रेंड्स, जैसे आप समझो हमने लिखा 13/15 और आपसे कहा कि इसका शेष हिस्सा क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर एक से माइनस करें। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बच्चों देखो नीचे वाला हिस्सा टोटल है और ऊपर वाला हिस्सा वो हिस्सा है जिसको हम शो कर रहे हैं कि इतना हमने किया, कर लिया, हो गया। ठीक, अब आप कहोगे एक से माइनस करें, हम कहेंगे नहीं बेटा 15 तो टोटल थे जिसमें से 13 दिखा दिए हैं उसने, तो कितने बचे हैं, 2, कितने बचे हैं, 2, कितने बचे हैं, 2, और जब 2 बचे हैं तो 2/15 इसका शेष होगा। ठीक, फिर से समझो, जैसे हमने आपसे कहा कि 15/19, आपसे कहा शेष दूसरा क्या बचेगा, शेष क्या होगा इसका, तो आप कहोगे सर जो रिमेनिंग बचेगी हमारी फ्रैक्शन वो होगी 4/19, क्यों, क्योंकि सर 19 में से 15 तो दिख रहा है हमको, यानी 4 बचा है सर, और 4 बचा है तो ऊपर तो वही रहता है जिसको हम दिखाते हैं, तो शो और नीचे वाला टोटल। ठीक है, तो अब आपको एक से माइनस नहीं करना। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा छोटा सा, देखो क्या कि एक टैंक में, एक टैंक में 60 लीटर, एक टैंक में से, ठीक है, 60 लीटर पानी निकाल देने के बाद, निकाल देने के बाद शेष, निकाल देने के बाद शेष 3/5 भाग रहता है, 3/5 भाग रहता है, तो टैंक की क्षमता बताइए। ठीक, टैंक की क्षमता, अब आप समझो 3/5 भाग रहता है, इसका मतलब ये जो 5 है ये तो टोटल था और 3 हिस्सा ये क्या है, ये जो इसमें है शो कर रहा। अब आप सोचो 5 में से 3 दिख रहा है तो कितना निकाला गया होगा, 2 भाग, और निकाला कितना गया, 60 लीटर, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 60 लीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 30 लीटर, तो भैया टैंक की टोटल क्षमता 5 बराबर कितना हो गया, 150 लीटर, आपका उत्तर। ठीक, तो हम आगे बढ़ रहे हैं पहले अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे करना है, पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं।
ए देखिए जरा पढ़िए एक। ठीक, पढ़ लिया हम लोगों ने। और लिखा है इसमें कि अमन, अमन एक लड़का है, अपने वेतन का 2/5 भाग मकान के किराए पर खर्च कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा 3/10, और साधन यानी कन्वीनियंस यानी यात्रा पर खर्च कर रहा 1/8, और उसके पास 1400 रुपये बचे हैं। तो कह रहा है उसका भोजन और साधन पर खर्च यानी कुल मिलाकर बता रहा है। ठीक है फ्रेंड, देखो ये बहुत सरल है। आप एक काम समझो, जैसे हम आपसे कहें कि अगर आप घर से निकले हो और आपने 60 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलाया, ठीक है, 10 रुपए की चाय पी ली, ठीक, और आपके पास अभी शेष 10 रुपए हैं, तो बताइए घर से कितना लेकर निकले। तो आप कहोगे सर 6 और 7 यानी 70 रुपए तो हमने खर्च कर दिए और 10 रुपए अभी बचे हैं, इसका मतलब घर से हम लेकर निकले थे 80। सेम फ्रेंड यही काम यहां करता है। कहां? यहां देखो कैसे, समझना। जो उसने खर्च किया वो हम जोड़ लेते हैं। कैसे? 2/5 घर खर्च पर, घर खर्च प्लस 3/10 भोजन पर, और 1/8 खर्च कर रहा है साधन पर। इनको जोड़ लेते हैं, एलसीएम के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा। 8, 5 और 10 का एलसीएम आएगा 40। ठीक है, 40। 5 से डिवाइड किया 8 बार, 8 से 2 का गुणा किया 16, 2, 10 से डिवाइड किया 4 बार, 4 का 3 में गुणा किया 12, 16 बार 28, और 8 से इधर गुणा किया 5 बार, यानी 5 यानी 28, 5 33/40। देखिए वही आ गया, यानी टोटल 40 था और जो खर्च किया है यानी जो हम शो कर रहे हैं वो कितना है? 33। अब आप सोचो 40 में से 33 तो उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 7। रुपयों में कितना बचा है जरा देखो, कितना बचा है रुपयों में? रुपयों में बचा है 1400, यानी 7 बराबर 1400, 1 बराबर कितना 200, 1 बराबर कितना 200, समझिए 1 बराबर 200। अब आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। पता है क्या? देखो जरा, अगर आपसे कहता भोजन पर खर्च बताओ, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता है 200, तो देखो भोजन की जो यूनिट थी अब कितनी हो गई? 16। तो 1 बराबर 200, तो 16 बराबर 3200, 3200। ठीक है, 1 बराबर 200, तो भैया 12 बराबर कितना हो जाएगा? 12, यानी 12 उसका क्या था? उसका था अच्छा, ये जो था घर खर्च था, कोई बात नहीं, इसको हम घर खर्च कर देते हैं, घर खर्च। ठीक है, गलती इंसान से ही होती है। भोजन पर देखें, भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? 12, तो 12 खर्च कर रहा है तो कितना हो गया? 2400। ठीक, और भोजन पर 2400, और भैया अगर कहे साधन पर कितना खर्च कर रहा है, तो साधन पर 5 खर्च कर रहा है तो कितना? 1000। कहे पूरी उसकी सैलरी बताओ, वेतन बताओ, तो वेतन 40 अनुपात में था, 1 बराबर 200, तो 40 बराबर 8000। तो आप चाहे जैसे पूछे, आपसे कह रहा है भोजन और साधन का खर्च बताइए, तो आप देखो जरा, भोजन ये 12 है और साधन 5 है, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 17। 1 बराबर 200, तो 17 बराबर 3400। ठीक, हमारा प्रश्न का उत्तर सब बता दिया है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं, हम देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। लिखा है एक आदमी अपने आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 8600 रुपए बांट रहा है। बहुत बड़ी रकम है इसको ये बांट रहा है। अगर प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है, तो प्रत्येक बेटी का धन बता, प्रत्येक बेटी का धन। तो देखो जरा, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम देखते हैं कि बेटी है उसके पास, बेटी, ठीक है, अच्छा बेटा भी है, ठीक है, और कौन है? भतीजा। कौन है? भतीजा, ठीक, भतीजा भी, ठीक। अच्छा अब क्या कह रहा है आप समझो जरा, कह रहा है अगर बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना। फ्रेंड्स, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक्स और 4x लिखें। नहीं, हमने क्या कहा था पहले लेक्चर में, एक्स वेक्स अपना भूल जाओ, 90% क्वेश्चन में एक्स का प्रयोग ना करना, अपना अपना एक्स बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, 10% बहुत जरूरत पड़े तब एक्स का यूज करो। ठीक है, प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, तो भैया भतीजे को 1 मान
और बेटी को चार गुना मिल रहा है तो चार, ठीक। अच्छा, और प्रत्येक बेटे को, ये देखो बेटे को भतीजे से पांच गुना, तो ये पांच, ठीक है बेटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अब जहां पर आप एक्स मानते हो वहां पे एक मानना बहुत आसान, ठीक है। देखो हो गया बेटा, ये क्या है, ईच, ईच यानी प्रत्येक का है। एक बेटी को चार, एक बेटे को पांच और एक भतीजे को एक, लेकिन उसके कितनी बेटी हैं, कितनी बेटियां हैं देखो जरा, बेटियां देखते हैं। उसकी जो बेटियां हैं वो हैं चार, तो एक को चार, तो चार को क्या मिलेगा, 16, बिल्कुल सही। बेटे कितने हैं, पांच, तो एक को पांच, तो पांच को 25। भतीजे कितने हैं, दो, बहुत बढ़िया, तो एक को दो, तो दो को दो। ये भैया आ गया इसका टोटल पैसा, और पैसा कितना था, 8600। यही बांटा है, तो अब तो आसानी से निकला है। कैसे, 16 और 25 40, एक 41 और दो ये 43, यानी 43 यूनिट आ गई। 43 रेशियो, जैसे आप एक्स मानते हो, 43 रेशियो की वैल्यू 8600। भैया एक रेशियो की वैल्यू चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम दो बार जा रहे हैं, एक की 200, तो कह रहा है प्रत्येक बेटी को कितना धन मिला, बेटी, तो एक बेटी को भैया देखो ये कितना था, चार रेशियो, तो एक बराबर 200, तो चार एक बेटी को कितना हो गया, 800। आंसर 800, ठीक है, समझ में आ गया है, नहीं तो आप कमेंट करना, दोबारा ऐसा क्वेश्चन फिर कराएं, ठीक है। चलो, बहुत आसानी से बता दिया है, समझो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, एक कॉलेज के एक तिहाई लड़कों और आधी लड़कियों ने एक स्कूल वर्क प्रोजेक्ट में भाग लिया, बहुत बढ़िया। अभी भिन्न की बात आ गई, सोचो कितने लड़कों ने भाग लिया, एक तिहाई बॉयज ने, एक तिहाई बॉयज ने। देखो यहां भी वही बात है, ये टोटल है, और जिन्होंने पार्ट लिया है, जिनको शो कर रहा है ये, ठीक है, अब ध्यान सुनो, और आधी लड़कियों ने, यानी 1/2, ये देखो टोटल लड़कियां हैं, टोटल गर्ल्स, ठीक, और ये है जिनको वो शो कर रहा है, जिसने पार्ट लिया, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 300, कुल संख्या, जिसमें से 100 लड़के हैं। अच्छा, 100 लड़कों ने भाग लिया है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पर रेशियो में कितने लड़कों ने भाग लिया, एक, तो भैया एक रेशियो में भाग लिया, 1/100 लड़के, तो कुल कितने थे, 3, 3/ कितने हो गए, 300 लड़के। देखो लड़के पता चल गए, टोटल बॉयज 300, ठीक। अब लड़कियों की बात करें, अब एक बात बताओ, जब टोटल 300 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें बॉयज और गर्ल्स थे, जिसमें से 100 तो बॉयज हैं, तो भैया 200 कौन होगा, गर्ल, तो देखो जरा, 1:200 गर्ल, तो भैया 2:400 कितनी, 400 गर्ल्स, ये टोटल गर्ल्स आ गए, टोटल गर्ल्स, ठीक। कह रहा तो कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या, भैया कुल 300 और 400, कुल कितने छात्र थे, लियो 700, आंसर आ गया, कितना आसानी से प्रश्न कर, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप देखिए, बहुत बढ़िया। देखो क्या लिखा है, लिखा है एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं, वेरी गुड। यदि इनमें से 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं, तो उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। अच्छा जरा देखो, मेज थी टोटल, टेबल, टेबल को मेज लिखी, टोटल मेजें कितनी थी भैया हमारे पास, 108, ठीक है, और टोटल कुर्सी, टोटल कुर्सी कितनी थी, टोटल कुर्सी यानी चेयर्स कितनी थी, 132 यानी 132। अच्छा अब एक बात समझो, कितनी मेज टूट गई, 1/6, अब आप सोचो 1/6 टूटी तो बची कितनी होगी, 5/6, तो 5/6 बची है, निकाल डालो, 6 1 जा 6, ठीक, और 4 बचा यहां, 6 8 जा, यानी 90 शेष है अभी जो टूटी नहीं। अच्छा 90, अब मेरी बात समझो, कुर्सी 1/4 टूट गई, बची कितनी होंगी, 3/4, देखते हैं भाई, 3/4, 3/4, वैसे तो प्रश्न का उत्तर आ गया कि अगर एक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो भैया जितनी मेज होंगी वो उतना ही काम कर पाएगा, तो मेज कितनी है, 90, आंसर यही आ गया,
कि 90 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ठीक है कि टोटल कुर्सी 132 है, टूट कितनी गई 1/4, बची क्या होंगी 3/4, 4 3 12, 4 3 यानी 99 चेयर सभी हैं, लेकिन हमको तो एक मेजर एक कुर्सी चाहिए, तो एक मेजर एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार टोटल 90 ही लोग काम कर सकते हैं, ठीक है आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखते हैं जल्दी से ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पढ़ते हैं जरा। लिखा है एक व्यापारी इस शर्त पर एक किरानी यानी एक लड़के को नौकरी देता है कि 1 वर्ष की नौकरी के पश्चात कि भैया जब तुम 1 साल नौकरी कर लोगे तो हम 1150 रुपए देंगे और एक पॉकेट कैलकुलेटर देंगे, लेकिन लड़का क्या कर रहा है 9 महीने ही नौकरी कर रहा है, उसके बाद उसे 760 रुपए तथा एक पॉकेट कैलकुलेटर दे देता है, तो कह रहा है कैलकुलेटर की कीमत ठीक। स्टूडेंट सोचिए, सबसे पहली बात भैया आज के समय में कोई अपनी जेब से तुमको नहीं देगा, वो उसी की सैलरी काट के उसी को देगा और वो खुश हो जाएगा ठीक। कैसे देखो जरा, देखो जरा ऐसे समझो बहुत आसान तरीके से, एक्स वाई कुछ नहीं, उसने कहा भैया जब तुम 12 महीने यानी 1 साल नौकरी करोगे तो हम तुम्हें 1150 रुपए और एक कैलकुलेटर देंगे। अच्छा, तो लड़के ने केवल 9 महीने नौकरी की और उसको 760 रुपए और एक कैलकुलेटर दे दिया। अब आप जरा गौर करो, लड़के ने कितने महीने नौकरी नहीं की, 3 महीने नौकरी नहीं की, 3 महीने नौकरी नहीं की, और कितने रुपए नहीं मिले जरा देखो, 0 ठीक, 0 ठीक। अभी 390 आएगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। 15 में 6 गया 9, 10 में 7 गया 300, यानी ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, पता है ये उसकी 3 मंथ की, 3 मंथ की एक्चुअल सैलरी है, एक्चुअल सैलरी। अब आप सोचो 3 महीने की जब है 390, तो भैया 6 महीने की क्या होगी, अरे 4 से गुणा कर दो तो भी आ जाएगी, 4 से डायरेक्ट गुणा कर दो ठीक है, तो 12 महीने की, लेकिन हम कर देते हैं, तो 6 महीने की क्या होगी, इसका डबल हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी, 12 महीने की, उसका डबल हो जाएगी ठीक, उसका डबल हो जाएगी ठीक। आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। देखो हमने क्या करना है, क्यों 6 महीने की निकाले, सीधे 4 से गुणा कर, तो इसको भी 4 से गुणा कर ठीक, उत्तर आ जाएगा कि 1 साल की उसकी सैलरी क्या थी। देखो जरा 0 6 यानी 1360 रुपया ठीक, कितना आया 1360, आप देख लीजिए गुणा करके कि 4 से 0 तो 0 आया, 4 9 36 तो 6 हासिल 3 लगा ठीक है, और 4 3 12 और 3 15, आहा 1560 ठीक है, कितना आ गया 1560 रुपये ठीक। अच्छा अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो ठीक है, कि ये सोचो उसकी 1 साल की टोटल तनख्वाह थी, लेकिन वो उसको दे कितनी रहा था, देखो जरा ए ए ए ए ए उसको दे रहा था 1150, पता है आपको बाकी के पैसे काट रहा था कैलकुलेटर के, कितने देखो 1560 माइनस 1150 कर दो, देखो जरा कितना 0 ठीक है, 1 410, 410 रुपए वो काट रहा था कैलकुलेटर के, समझ लो जरा 1 मिनट, आप जल्दी से 1 मिनट समझ लो, जल्दी से समझ लो। सब लोगों ने समझ रहा हो, समझ लिया होगा हाँ, जो अब ठीक है, जिसको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, दोबारा प्रश्न करा दिया जाएगा या लाइव क्लास में फिर आपको समझा दिया जाएगा ठीक है। आप सब क्वेश्चन तैयार रखिएगा, लाइव क्लास जब भी होगी हफ्ते में तो होगी एक बार, तो आप जो है उसको बताइएगा कि सर ये वाला बताइए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया, क्या है, राजन है एक लड़का, ये वायु मार्ग द्वारा 3600 किलोमीटर की यात्रा कर रहा, करने दो, तथा यह यात्रा उसकी कुल यात्रा का 3/5 भाग है, वेरी गुड 3/5 भाग है, कुल यात्रा का 1/4 भाग उसने बस से तय किया, अच्छा, तथा शेष यात्रा उसने मोटरसाइकिल से तय की, तो बताइए उसके द्वारा मोटरसाइकिल से कितनी दूरी तय की ठीक है। देखो जरा बच्चों,
देखो जरा, 3600 किलोमीटर की यात्रा प्लेन से कर रहा और उसकी कुल यात्रा का 3/5 भाग है, तो 3/5, इसका मतलब ये टोटल है और ये उसने प्लेन से किया। प्लेन भैया, प्लेन से कितनी यात्रा की है? 3600, तो 3/3600 किलोमीटर, ठीक है, तो 1 बराबर देख लो 1200 किलोमीटर। तो पहले टोटल निकाल लें, टोटल क्या थी? 5, तो 5 बराबर 6000 किलो, इतना हो गया। अब समझो जरा, टोटल 6000 थी, टोटल क्या थी? 6000, ठीक, 6000। अब सोचो आप कि उसमें से 3600 ये कह रहा चल रहा था किससे? प्लेन से, प्लेन से, ध्यान रखना इसको आप, 3600 प्लेन से चल रहा, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? उसने क्या किया है, 1/4 भाग बस से तय किया, 1/4, तो 6000 का 1/4 यानी 1500 किलोमीटर उसने बाय बस तय किया, ठीक। 3600 प्लेन से और 1500 बस से, भैया दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देते हैं, 0 0, ठीक है, 6 5 11, 1 3 1 4 और 1 5, आहा, 5100 किलोमीटर चल चुका है। अब देखो जरा, अब टोटल में से इसने 5100 किलोमीटर चल लिया, बचा कितना? 900 कह रहा है, और उसने शेष यात्रा मोटरसाइकिल के द्वारा तय की, तो बताइए मोटरसाइकिल के द्वारा तय की गई कितनी दूरी? आ लो आंसर, आगे 900 किलोमीटर बाय बाइक, लो आंसर आपके सामने। कुछ नहीं है, सब ओरली होना है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सब ओरली होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बैंक के क्लर्क में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए, ठीक है। आप दोबारा रिकॉर्डेड देखिएगा तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से, नहीं तो फिर बता दिया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न, देखो जरा, लिखा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/5 भाग अपने प्रथम पुत्र को दे रहा है, शेष का 1/7 भाग अपने दूसरे पुत्र को दे रहा है, और बचे हुए धन का 5/8 भाग तीसरे पुत्र को दे रहा है, शेष धन उसने अपनी पुत्री को दे दिया, तो उस व्यक्ति ने अपने दूसरे पुत्र को कितने रुपए दिए? सबसे पहले देखो बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा C&D, जिसको बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं कर सकते। उसका कारण है, आपसे कहा रुपए बताइए, बच्चा एक चीज ध्यान रखना, आपने कहावत तो सुनी होगी, रुपया हमेशा रुपया से ही आता है, तो रुपए हमेशा रुपए से ही आता है। आप पूरे प्रश्न में देखिए कहीं भी रुपए दिए ही नहीं, और बिना रुपए दिए हम रुपए कहाँ से निकालें? जिस चीज की हमें जरूरत है हम कैसे उसको निकालें? आप सोचिए, आप एक्स से करते हो तो एक्स की कोई वैल्यू तो दी होनी चाहिए, लेकिन नहीं दी है। हम एक से करते हैं तो एक रेशियो की कोई वैल्यू तो होनी चाहिए, पूरे प्रश्न में कहीं रुपए नहीं दिया है, सिर्फ फ्रैक्शन, सिर्फ फ्रैक्शन, सिर्फ फ्रैक्शन बस, यानी सिर्फ भिन्न और कुछ नहीं। कह रहा उसने अपनी पुत्री को कितने, दूसरे पुत्र को कितने रुपए दिए? भैया रुपए तो निकलेगा ही नहीं ना, तो आंसर क्या आएगा? C&D, क्योंकि रुपए होते तब रुपए निकलता, अदरवाइज, समझ गए? ठीक, ध्यान रखिएगा, किसी की भी एज निकालने के लिए एज की जरूरत होती है, ठीक, वेट निकालने के लिए वेट की जरूरत, रुपए निकालने के लिए रुपए की जरूरत। आप ध्यान रखिए, ओनली रेशियो से या परसेंटेज से, उत्तर केवल रेशियो या परसेंट में ही आता है, ठीक है, यानी रेशियो से सिर्फ रेशियो में उत्तर आएगा और परसेंट से परसेंट में आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए हम इतना रखते हैं, उसके बाद क्षमा चाहते हैं पहले तो, क्योंकि इतना जल्दी हो गया ये लेक्चर, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको बहुत अधिक टाइम पे सारे लेक्चर मिलेंगे, लेकिन रेगुलर मिलेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, उसको शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी पता चले, जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेकिन हाँ लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप जितने लोग देखते हो लाइक कम होते हैं, तो आप देखते रहिए और लाइक भी कर दीजिए, यानी आपने देखा ना बैलेंस टिकटॉक पे चलता है ट्रेंड वैसे, कि आप जितना लोग देखो उतना लाइक हो जाए, तो मजा आ जाएगा, बैलेंस चलेगा, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल फिर मिलते हैं नया नए क्वेश्चन और नए तरीके के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।